हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बिना खोया बिना मावा झटपट से 10 मिनट के अंदर बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट मथुरा के पेड़े। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। यहाँ मैंने स्किम्ड मिल्क पाउडर का यूज़ किया है, आप चाहे तो वाइटनर का भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालकर गैस का फ्लेम मीडियम या स्लो कर लेंगे। और अब हम मीडियम फ्लेम पे मिल्क पाउडर को अच्छे से चलाते हुए पैन में मिल्क पाउडर को भून लेंगे। और आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर का कलर बहुत ही बढ़िया ब्राउन हो गया है। हम इसे कंटिन्यू मीडियम या स्लो फ्लेम पे चलाते हुए भूनेंगे, जिससे ये जलेंगे नहीं और बहुत अच्छे से हमारे मिल्क पाउडर सिक जाएंगे। हमें इसे तब तक सिकना है जब मिल्क पाउडर ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसे कंटिन्यू इस तरीके से स्पैचुला से मिल्क पाउडर को तोड़ते हुए अच्छे से भून ले रही हूँ। इस तरीके से आप भूनेंगे तो आपके मिल्क पाउडर बिल्कुल भी जलेंगे नहीं और बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। और इस तरीके का आप मिठाई या पेड़ा जन्माष्टमी पे इजीली बना सकते हैं। और ये मात्र 10 मिनट में बनके तैयार भी हो जाएगा और इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है। और आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर को भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं और मिल्क पाउडर हमारा अच्छे से भुन गया है। और अब हम इसमें स्टेज पे डालेंगे देसी घी। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी का यूज़ किया है, आप चाहें तो मेल्टेड घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और घी की जगह आप अनसॉल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। घी डालकर मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे मिल्क पाउडर में अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर में फैट नहीं होता है, तो यहाँ मैंने फैट के लिए इसमें घी का यूज़ किया है। आप चाहे तो बिना घी के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन घी डालने से इसका फ्लेवर बिल्कुल हलवाई स्टाइल आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसे हल्के हाथों से चलाते हुए मिल्क पाउडर में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हमें इसे इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट के लिए मिल्क पाउडर में घी को मिलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे, जिससे इस पेड़े का फ्लेवर और कलर बिल्कुल बाजार या हलवाई स्टाइल बनके तैयार होगा। और आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम यहाँ मैंने स्लो रखा है। स्लो फ्लेम पे हम इसे इस तरीके से ही चलाते हुए भूनेंगे तो आपका मिल्क पाउडर बिल्कुल भी जलेगा नहीं और हमारा पेड़ा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर को घी के साथ भूनते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं और इसका कलर बहुत ही बढ़िया चेंज हो गया है। और अब हम इस स्टेज पे इसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर का दूध यूज़ किया है। दूध को यहाँ मैंने पहले से एक बार बॉईल कर लिया था। और अब हम दूध डालकर गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे और स्लो फ्लेम पे मिल्क पाउडर में हम दूध को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने आधा कप चम्मच से 5 चम्मच यहाँ मैंने दूध का यूज़ किया है। दूध डाल करके हम इसे हल्के हाथों से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम स्लो या मीडियम ही रखें, जिससे ये जलेंगे नहीं और बहुत अच्छे से मिल्क पाउडर में मिक्स हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने धीरे धीरे करके मिल्क पाउडर में मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा मार्केट जैसा मावा बनके तैयार हो गया। और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम पैन के हीट में ही इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे मावा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और आप देख सकते हैं पेड़े का मावा बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो गया है और ये बिल्कुल पैन को छोड़ रहा है। इस टाइम पे हम इसे अच्छे से इसी तरीके से मिक्स करते हुए ठंडा कर लेंगे। जन्माष्टमी पे घर पे अगर आपको प्रसाद बनाना हो तो इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें। और आप देखिए मावा हमारा ठंडा हो रहा है। पेड़े में मीठे के लिए हम यहाँ पे 4 चम्मच चीनी लेंगे और यहाँ मैंने कटोरी में लगभग आधा कटोरी चीनी का यूज़ किया है। चीनी की जगह आप मिश्री भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 2 इलायची डालेंगे, आप चाहे तो सिर्फ इलायची के दाने भी डाल सकते हैं।
और अब हम ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसका ढक्कन लगा करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने चीनी और इलायची को अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस पीस के तैयार कर ली हूँ। और अब हम मावा को चेक करेंगे और आप देख सकते हैं मावा भी ठंडा हो गया है। और अब हम पिसी हुई चीनी डालेंगे और थोड़ा सा या 1 चम्मच चीनी हम अलग से पिसी हुई रख लेंगे, जिसका यूज़ हम बाद में करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मावा में पिसी हुई चीनी को डाल दिया है। और अब हम साफ हाथ से चीनी में अच्छे से मावा को मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मावा को यहाँ मैंने अच्छे से हाथ से दबाते हुए मिक्स कर लेंगे। मावा हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से ठंडा हो गया था और अब हम इसे चीनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पेड़े बनाने के लिए हम यहाँ पे चीनी का यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप चीनी मावा में डालें तो चेक कर ले, मावा हमारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। मिल्क पाउडर से बना हुआ मावा अगर गर्म होगा तो चीनी उसमें जाके मेल्ट हो सकता है, और चीनी अगर मेल्ट होगा तो वो पानी छोड़ सकता है, तो हमारे मावा बहुत ही नरम और सॉगी हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल एक बार अच्छे से चेक कर लें। और आप देख सकते हैं मावा से पेड़ा बनाने के लिए डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इसे अपने मनचाहे शेप में बना सकते हैं और आपको जैसा पेड़ा पसंद है आप उस तरीके से पेड़ा बनाएं। और अब हम एक प्लेट लेंगे और ये देखिए यहाँ मैंने एक प्लेट ले लिया है और पेड़ा हमारा तैयार है। हम इसे चीनी के पाउडर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमारा मथुरा का पेड़ा बनके तैयार हो गया है। और सेम तरीके से हम दूसरा पेड़ा भी बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सेम तरीके से सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। और अब हम इसे अच्छे से सजाने के लिए इसके ऊपर तुलसी के पत्ते रखेंगे। और आप देख सकते हैं बिना झंझट के, बिना घंटों मेहनत के, सिर्फ 10 मिनट में ही हमारा बिल्कुल मार्केट जैसा मथुरा का पेड़ा घर पे बनके तैयार हो गया है। तो इस रेसिपी को आप जन्माष्टमी पे घर पे बनाएं, इंस्टेंट बनके तैयार हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और इस जन्माष्टमी आप इस तरीके से झटपट से मथुरा के पेड़े घर पे बनाएं, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है। और आप देख सकते हैं पेड़ा बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और ये इजीली हाथों में टूट रहा है। और जब आप इसे खाएंगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुल जाएंगे। और आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस और फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए रेसिपी